हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। रानू मंडल की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी है जी। और सोशल मीडिया की वायरल की बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चिंटू जी आर्थिक मदद किया है रानू मंडल की, तो ये कितना परसेंटेज सच है? देखिए, ये अंदरूनी बात है और मैं उसे बाहरी उसे ओपन नहीं करना चाहूँगा। मेरी वो फितरत नहीं रही है, मेरी जो आदत रही है वो पहले से बचपन से ही। मेरे दादाजी ने एक बात सिखाई थी बचपन में कि अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना हो किसी के लिए भी, तो आप अगर आप दाएं हाथ से करें तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो मेरी अपनी चीज़ है, मेरी अपनी खुशी, मेरा अपना सेटिस्फैक्शन है। और मैं चाह भी रहा हूँ कि मैं उनके साथ एक बहुत खूबसूरत सा, मैंने इसके पहले भी कहा था कि उनके साथ एक बहुत खूबसूरत सा और रोमांटिक सा एक गाना मैं भोजपुरी में गाऊँ उनके साथ। और मेरी इच्छा भी है, ये इच्छा इसलिए क्योंकि वो जो टैलेंट है वो बहुत रेयर है और वो बहुत रेयर ऐसी जगह से उठ के आए हैं जिसके लिए हम सभी को एक सबक होना चाहिए जीवन में। वो रानू मंडल जी आज के जीवन में सबसे बड़ी सबक है लोगों के लिए, जो लोग डोमिनेट हो गए हैं, जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, कि जो एक उम्र के बाद कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग देखिए और सीखिए कि इस उम्र में भी रानू मंडल जी जो एक स्टारडम लेकर अचानक से एक बहुत बड़ा लहर जो लेकर आ गई हमारे हिंदुस्तान में, तो ये किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। भाग्य कब किसका चमका दे कोई नहीं जानता है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।